आशुतोष राणा की जिंदगी में दुश्मन का किरदार बहुत बड़ा रहा है। बहुत बड़ा रहा है कि लोगों को जो कुछ भी मिलता है दोस्तों से मिलता है, मुझे जो कुछ भी मिला दुश्मन से मिला। हमारी पहली फिल्म का नाम ही दुश्मन है, तो जिस आशुतोष को आज इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि जिसके साक्षात्कार लिए जा रहे हैं, उस एक अपरिचित और एक शेष आशुतोष को जो आज एक विशेष रुतबा मिला है परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की कृपा से, तो वो मेरी फिल्म दुश्मन के कारण मिला है। तो मैं इसको उपमा उपमेय अलंकार में यही कहता हूं। और आप देखें जीवन में भी आजमा के देखिए आप कि अगर आपके कद का अंदाजा आपके दोस्तों को देखकर नहीं लगाया जाता, आपके कद का अंदाजा आपके दुश्मनों को देखकर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा दुश्मन उतने बड़े आप जी। तो इसलिए कभी भी दोस्ती भले ही जिससे करना हो कर लेना, लेकिन दुश्मनी के लिए बहुत सतर्क और सनद रहना। दुश्मनी जब भी करें तो अपने से किसी बड़े रुतबेदार व्यक्ति के साथ करें, क्योंकि वो दुश्मन, वो रुतबेदार व्यक्ति आपको खींचकर अपने समकक्ष खड़ा कर लेगा। तो वो दुश्मनी आपको मिटाने का नहीं, आपको बढ़ाने का काम करती है। लेकिन तब जब आपकी अमित्रता, आपकी दुश्मनी अपने से बड़े व्यक्ति से हो, और बड़े व्यक्ति चाहे मित्र के रूप में हो और चाहे शत्रु के रूप में हो, वो व्यक्ति को एलिवेट ही करते हैं, उठाते ही। राम राज्य को लेकर भी कुछ नई योजना है क्या? किस तरह का साहित्य का रुझान है और किस तरह साहित्य आपको जोड़ता है? अभी शीघ्र ही मेरी एक कहानियों की किताब आएगी जिसका नाम है आशुतोष नीति जीवन की रीति। फिर एक व्यंग संग्रह भी आएगा। फिर एक कहानियों की किताब आएगी हमारी जिसमें पौराणिक कथानकों की कहानियां हैं, तो उसके ऊपर आएगी। और फिर दो उपन्यास के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एक का नाम है राजाभिषेक और एक का नाम है वासुदेव कृष्ण। तो इन दो उपन्यासों के ऊपर काम मैं कर रहा हूँ, वो भी आपको शीघ्र ही आपके पाठकों के हाथ में होंगे। एक कलाकार देख लिया, एक साहित्यकार देख लिया, आध्यात्म की ओर झुकाओ, धर्म की ओर झुकाओ, और उनकी सबकी अपनी अपनी व्याख्या जी। एक शब्द इन दिनों, मतलब ये सवाल राजनीतिक नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, व्यावहारिक सवाल है। आप सुन रहे होंगे इन दिनों की सब जगह हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की गूंज आ रही है किसी तरीके से। होता क्या है शायद नहीं लोग जानते हैं, लेकिन दो शब्द है, एक हिंदू राष्ट्र, एक राम राज्य। क्या अंतर पाते हैं आपको आप इसमें, और क्या जरूरी आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो देश को और दुनिया को और मानवता को ऊंचाई पर ले जा सकती है? देखिए, अगर आप परमात्मा श्री राम का जीवन चरित्र देखेंगे तो परमात्मा श्री राम के जीवन चरित्र में यह है कि वो तो शबरी जो अंतिस्थ थे उनके घर भी चले गए, उनके जूठे बेर भी खा लिए। वो निषाद राज जो पृथक रहते थे उनको भी गले से लगा लिया। जो केवट वो उनके पास भी चले गए। उनके एक गुरु विश्वामित्र जी थे जो ब्राह्मण थे, और उनके दूसरे गुरु विश्वामित्र जी थे जो क्षत्रिय थे, और दूसरे गुरु वशिष्ठ जो ब्राह्मण थे। तो एक तरफ उन्होंने वशिष्ठ जी से भी शिक्षा ली है, और दूसरी तरफ उन्होंने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की एक दूसरे के प्रति बनती नहीं थी, ऐसा पुराणों में मिलता है, तो उनसे भी शिक्षा ली। तो जो निरंतर परस्पर विसंगतियों को भी साधने की क्षमता वाले होते हैं वो परमात्मा श्री राम होते हैं। और अगर वैसी अगर चेतना हमारे आपके जीवन में आ जाए तो हमको लगता है कि परमात्मा श्री राम की जो घोषणा हुई है, जो उन्होंने घोषणा की है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, और सब नर करें परस्पर प्रीति चलें सदा सज्जन शुद्ध नीति वाली जो बात हम कर रहे हैं कि सब परस्पर प्रीति के साथ, तो फिर वो घोषणा चरितार्थ हो जाएगी कि हमारे और आपके अंदर दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आवश्यकता है कि हम राम को तो मानते हैं, लेकिन अब आवश्यकता है राम की मानने की। हमने परमात्मा श्री राम के चरण तो पूजे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अब आचरण को भी धारण हमें करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर जो उन्होंने घोषणा की है, परमात्मा जो घोषणा करते हैं वो व्यर्थ में घोषणा नहीं करते, तो घोषणा तो सार्थक होती है। कुछ ऐसी चीजें होती है, वरदान आप बोल सकते हैं, वो कई तरह के ईश्वर मानव को देता है, लेकिन आशुतोष राणा जी को इस तरह के कई वरदान मिले हैं
उसमें एक है सबसे अच्छा जो हम लोग मानते हैं, आपके जो प्रशंसक मानते हैं, वो है वाणी का वरदान जी। आशुतोष राणा जी की वाणी सुनने के लिए कई लोग आतुर होते हैं जी, और निश्चित तौर पर नेटवर्क टीम के दर्शक भी आतुर होंगे एक ऐसी चीज सुनने के लिए। रश्मि रति, हम चाहेंगे कुछ थोड़ा आप उसमें इसका सुना देता हूँ मैं आपको। कृष्ण की चेतावनी का जो पहला हिस्सा है कि मतलब जब वो तमाम संघर्षों की दास्तान जो कही गई है उसमें यही है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण न कहते हैं और मुख से कभी न उफ कहते हैं। तो ये वाली जो बात उन्होंने कही है के खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झड़ती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो इसमें श्रद्धेय रामधारी सिंह जी दिनकर ने बड़ी अद्भुत विपत्तियों की या संघर्षों की, अक्सर विपत्तियों को हम अपने शरण का कारण मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरे दृष्टांत के माध्यम से बताया कि विपत्तियां आपके शरण की नहीं, आपके सृजन की कारक भी हो सकते हैं। वो आपको मिटाने के लिए नहीं, वो आपको बनाने के लिए भी आते हैं। तो अगर आप मिटने तैयार हैं तो परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं आपके साथ उस महासमर में आके खड़े हो जाएंगे, और वह जो जगत का दाता है वो आपके लिए दूत कार्य करने भी तैयार हो जाएगा, और वो पहुंच जाएंगे कौरवों की सभा में आपके लिए प्रीति मांगने के लिए। तो ये उसमें उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है और मेरे हृदय के काफ़ी करीब है ये रचना। तो ये है अभिनेता आशुतोष राणा जी। इनका साहित्यिक स्वरूप, धार्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप भी हमने देखा, और रश्मि रति का जो अद्भुत वर्णन है वो अगर इनकी जुबान से जब सुनते हैं तो हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर।